नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर जनपद पंचायत मऊगंज के ग्राम पंचायत अमोखर से रही, जहां गौशाला बने के बाद मवेशिन के साथ क्रूरता हो लाही बे। अपने बताए दी के आवारा मवेशिन से परेशान हुई के यहां के ग्रामीण पशुअन का मुरुम के खदान में कैद कई दिन, बिना चारा और भूसा के कई एक दिन से वहाँ पशु कैद रहे। मामला के जानकारी लगता है अमोखर गांव पहुंचे मऊगंज के एसडीएम एपी द्विवेदी और थाना प्रभारी श्वेता मौर्य मवेशिन का छुड़ाइन और ग्रामीणों का समझाइश दिन के अगर यमे से काम दोबारा दोहरावा जाये तो कठोर कार्रवाई की जाये। साला के लिए विशेष रूप से यही स्थिति थी कि गाय रोड पर एक्सीडेंट हो रही थी, आदमी उससे एक्सीडेंट हो रहे थे, आवारा पशु की तरह गाय घूम रही थी और किसानों की फसलें भी नष्ट हो रही थी। इस बात को उनको विशेष चिंता हुई, किसानों की भी और गाय को भी। उन्होंने बड़े अच्छे स्वस्थ मानसिकता के साथ अच्छा खासा बजट दे करके हर गांव में गौशाला बनवाने का निर्णय लिया। लगभग गौशालाओं के लिए उन्होंने बजट भी दिया, गौशाला बनने भी लगी, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार चली गई। लेकिन भाजपा के कथनी और करनी में अंतर है। रीवा माही बदमाशन के हौसला इतना बुलंद था कि उनका पुलिसों के खौफ नहीं आए। अपने बताए दी कि बिछिया थाना के कोठी गांव माही पुरान रंजिश कलई के 23 वर्षीय युवक पर चाकू डंडा उड़ाड़ से हमला की इनका जोने के बाद युवक का गंभीर हालत माही संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करावा गया है। अपने बताए दी के जे मारे वाले आरोपी रहे वो 15 के संख्या में बताए जा रहा है। पुलिस आरोपी के तलाश और मामला के जाँच में जुटी है। बुलेटिन की अगली खबर रही पनवार के गढ़वाई गाँव से, जहाँ रहे वाले महिला और उनका परिजन पुलिस अधीक्षक से अपने जान माल खिलाने गुहार लगाए। अपना बताए दी के परिजन जानकारी दीहीन के सुम्मा उर्फ आशीष सिंह जौन के मदरी गांव के रहने वाले आही। ये युवक आदतन अपराधी है और उनका राजनीतिक संरक्षण मिला है, जो उनके कारण ई आए दिन परिवार के बेटी के साथ छेड़छाड़ और गाली गलौज करा था। साथ ही इनका हौसला इतना बढ़ा है कि बिटिया के साथ दुष्कर्म और जान से मारे के धमकी दे लहमा। हाल ही में पीड़िता के साथ वो समय छेड़छाड़ करी जब वो स्कूटी लेके घर से बाहर रही। पीड़िता के विरोध करे पर वो के साथ दुष्कर्म और जान से मारे के धमकी दीन और वह मौका लगता है पीड़िता और उनके परिवार के घरे में ही आगे लगाए दीन, जोने के बाद पीड़िता के परिजन और परिवार वाले डरे सहमे हमा और पुलिस अधीक्षक से अपने जान माल के सुरक्षा का ही गुहार लगाई। वह सुनी पीड़ित का कुछ बताए रहे हम। तेज तेज बोले थे सर, कितने लोगों के घर में आग लगाया वो व्यक्ति? आग कितने घर में लगाया? आग लगाया घर आठ घर में। क्या विवाद? आपके भी घर में आग लगाया है? कितने लोगों के घर में आग लगाया वो? कितने लोग आए हमारे? सबके घर में आग लगा दिया। घर में आग लगा दिया। रिपोर्ट लिखा है? ये गांव का ही है, वहां का ही रहने वाला है। मदरी, हमारा नाम बिटोल है। बिटोल तो हमारे झोपड़ी में आग ही लगा दिया। कौन लगाया आग? सुम्मा सिंह लगाया आग। मंगलवार के जनसुनवाई के बातें निराली हुई जा रही है। अपने बताई कि हो वाली जनसुनवाई में ही लोग बेर बेर आवा था और आवेदन डाले के बावजूद अधिकारियों के कानन में जुआ नहीं रह गए। यह कारण होता है कि भ्रष्टाचार करने वाले बेखौफ रहा था। वहीं आज के जन सुनवाई में आवे वाले शिकायतकर्ता बताएं कि चार दर की कलेक्टर कार्यालय में ही आवेदन दीन, जो ने वो बताएं कि सिलपरी ग्राम पंचायत में सरपंच रमेश पटेल और राम कुशल पटेल शासकीय निर्माण और यहाँ के योजनान के नाम पर लाखन रुपया के राशि के गबन कर हम पर कोनो कार्रवाई न हुए से उनके भ्रष्टाचार में ही रोक नहीं लागल ला गया। तो वह जन सुनवाई में आए बुजुर्ग बताएं कि रीवा नगर पालिका में ही पदस्थ बाबू मुख्य लिपिक लेखापाल बंसराज सिंह जो उनके बैकुंठपुर के रहने वाले आई उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पेट आए रहने के लिए नगर पालिका में बड़े बाबू हैं मुख्य लिपिक बंसराज सिंह, तुम अपने मने लड़का भाई के 900 रुपये की स्टाम्प में चकावा दी जमीन खरीद के नगर पालिका में चढ़ा ली नहीं। कहा थे कि हमारा क्यों कुछ नहीं कह सकता है जो हमारा मन पड़ी तो उनका को वहीं का नाम उनका बंसराज सिंह नगर पालिका।
भैया भाई ने बुलेटिन की अगली खबर रही है हनुमाना तहसील के पटेहरा से, जहां के धान खरीदी केंद्र के एक वीडियो सामने आवा जोने के बाद हड़कंप मचा हवा। अपने बताया दी कि खरीदी केंद्र पटेहरा के लापरवाही से सैकड़न कुंटल के धान पानी व पैरे लाख, यह बतावा जा रहा है कि बारिश के संभावना देख के कलेक्टर पहलन से धान के सुरक्षा करे खातिर सबका निर्देश दिए रहे, पे के बाद खरीदी केंद्र में ही ओकर कथना पालन कीनगा और अपना ये वीडियो देख के अंदाजा लगा ली। ये देखो भाई, लैक समय प्रबंधक की वजह से एक किसान के ये देखो। बुलेटिन के अगली खबर गढ़थाना के बिलहाई गांव से है, जहां थाने में शिकायत दर्ज करावे जा रही महिला के साथ आरोपी धारदार चाकू से उनके नाक मां और मुंह में हमला कर दी, जोने के बाद महिला का अस्पताल में उनकर बेटा और उनकर पति भर्ती कराई है। अपने बताया दी कि सुनीता द्विवेदी पति बीरेन्द्र द्विवेदी जिनकर उम्र 36 वर्ष बताई जा रहा है, वो अपने गांव में किराना की दुकान संचालित कर रही है, जहां उनकर बेटा सचिन दुबे दुकान में बैठे रहे, जिसे सामान उधार न दे के लाने सौरभ सिंह पिता ब्रजेंद्र बहादुर सिंह उर्फ बबलू उनके साथ मारपीट करी। घटना हुई, मेरा बालक एक छोटी सी दुकान धरे थे तो दारू किए, बोले कि मेरा श्री दे दो तो नहीं दिया है, इसलिए मेरे बालक को मारा, तो बालक गए तो बोला घर में कि मम्मी को मारा है, तब मैं आई तो बोली कि क्यों आप मारे हो, आप तो बड़े आदमी हैं। कौन मारे थे? सौरभ सिंह। बुलेटिन की अगली खबर रही है सिंगरौली से, जहां शिवसेना के कार्यकर्ता स्थानीय मुद्दन का लेके ज्ञापन दे के लाने कलेक्ट्रेट कैंपस के भीतर चले गए, हम जोने के बाद पुलिस और शिवसेना के पदाधिकारी के बीच जमके नोक झोंक भय, धक्का मुक्की भय, वह बात बिगड़े के बाद हंगामा और नारेबाजी शुरू भय। मामला का बढ़त देख के कोतवाली से और फोर्स बुलाई गई। सिंगरौली जिला अध्यक्ष समेत आधा सैकड़ा कार्यकर्ता पर मामला दर्ज किएगा। बुलेटिन की अगली खबर रही सिंगरौली से, जहां एनसीएल नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड में ही कोयला खदान में ही एनसीएल के सुरक्षा व्यवस्था के दावन के पोल खुल गए। अपना बताई दी के कोयला खदान अमलोरी में ही टैंकर डीजल भर के मशीनन में भरे खातिर जा रहा के टैंकर में अचानक आग लग गए। अपने जिला में ही महिला अपराध रुकई के नाम नहीं ले लागा, यही क्रम में एक बार रिश्ते का कलंकित करे वाली पुण्य के एक घटना भय, जहां महिला के साथ दुष्कर्म भा। अपने बताया दी कि हनुमाना थाना क्षेत्र में ही 19 साल के महिला के साथ शिव बहादुर सिंह गोड़ दुष्कर्म करी, इतने नहीं आरोपी महिला का जान से मारे के धमकी दई के ओकर मुंह बंद कराए दी। आरोपी के चंगुल से छूटे के बाद महिला घटना के जानकारी परिवार वालन का दी, तब जाके हनुमाना पुलिस पीड़िता के शिकायत पर मामला दर्ज करी ही बे। वह भोपाल सूदखोरी कांड के बाद रीवा पुलिस अपने फुल फॉर्म में दिखा लाही बे। बिछिया पुलिस एक तरकी पुनी के सूदकोरन के खिलाफ सिकंजा कसत दिखाई रही है, जोने के बाद मामला का पंजीबद्ध कीनगा बे। अपना बताया दी कि चिरौला कॉलोनी में रहे वाले अभयराज सिंह के खिलाफ पीड़ित सचिन मालवी शिकायत दर्ज कराए रहे हम, के आरोपी कर्ज से ज्यादा पैसा वसूले के दबाव बनाए रहा है और मारपीट कीन जाला ही है, जिन्हें के खिलाफ बिछिया पुलिस 385, 294 और 506 और मध्य प्रदेश ऋण का संरक्षण अधिनियम के धारा 1937 के तहत का मामला पंजीबद्ध करके आरोपी के तलाश शुरू करी है। पुरान रंजिश कलाई के युवक के ऊपर आधा दर्जन लोग प्राण घातक हमला कर दी, इतना नहीं उनके मोटरसाइकिल में जम के तोड़ फोड़ करी, हल्ला गुहार सुन के आसपास के लोग पहुंचे जहां बीच बचाव करी, जिसके बाद पीड़ित थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। जब युवक विरोध करें तो उनके साथ मारपीट की गए और साथ ही जान से मार के धमकी दे के युवक फरार हो गए। वहीं घर थाना में ही एक दरकी पुनी के शादी के झांसा दे के युवती के साथ दुष्कर्म के मामला सामने आबा हबा। आरोपी पिछले 2 महीना से युवती के साथ दुष्कर्म करात रहा, युवती जब शादी के दबाव बनाए तो आरोपी शादी करे से मुकर गए, जिसके बाद अब पीड़िता घटना के जानकारी परिजनन का दीन, तब परिजन पीड़िता का लेके थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। अपने बताई दी कि अक्सर रिश्ता तय हुए के बाद बिटिया लड़का एक दूसरे के संपर्क में आवा था और यही के फायदा उठाए के आरोपी बिटियन के इज्जत के साथ खिलवाड़ करा था। फिलहाल पुलिस आरोपी के तलाश में जुटी है। बुढ़ाई बाजार के रहने वाले याचिकाकर्ता हाजी मोहम्मद अली ए आशय में ही रिट याचिका में के उनके निजी संपत्ति मस्जिद के संबंध में ही उनके
पूर्वजन और उनके द्वारा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का बिना दान और समर्पण के मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल ओका वक्फ संपत्ति बनाए के अन्य लोगों के कमेटी बनाए के याचिकाकर्ता का एसडीएम नजूल अधिकारी रीवा के माध्यम से बेदखल करे के प्रयास करें। हाई कोर्ट के एकल पीठ न्यायमूर्ति विशाल धाकड़, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड नजूल अधिकारी और तहसीलदार हजूर रीवा और विभाग के सब अधिकारियों का नोटिस जारी करके याचिकाकर्ता के निजी संपत्ति पर रोक लगाई। वह मामला के जानकारी याचिकाकर्ता हाजी मोहम्मद अली प्रेस वार्ता करके मीडिया का दिन। ये कब से बना हुआ है? ये मस्जिद करीब 125 साल पुरानी है, जो हमारे घर के हाथे के अंदर बना हुआ है। अब मस्जिद का प्लाट नंबर 1782 जो अलग है, और घर का जो हमारा ये कैंपस बना हुआ है 1781 नंबर बना हुआ है। इसमें कभी किसी को नमाज पढ़ने से रोका नहीं गया, जबकि उन्होंने ही अपने साथ अपने लिए ही बनवाई थी नमाज पढ़ने के लिए। फिर भी यहाँ पे लोग सार्वजनिक तरीके से नमाज पढ़ते हैं और किसी को कभी मना नहीं किया गया, और कुछ लोग आते हैं और ज़बरदस्ती नमाज पढ़ने के बाद भी यहाँ पे बैठ के तपरी करते रहते हैं। ये निजी, ये हमारी निजी संपत्ति है। खबर रीवा से रही, जहां सोमवार का ही रीवा कलेक्ट्रेट में पदस्थ महिला होमगार्ड शशिकला दीक्षित ड्यूटी जा रही हमा। सिरमौर चौराहा के नियरे पीछे से आवे वाली मोटरसाइकिल के पहिया उनके पैंट से छुईगा। अब बारिश के कीचड़ उनके पैंट में लगता, बस का रहा। होमगार्ड गुस्सा में आए के युवक से पहले तो पैंट अपन साफ कराई, ओके बाद उनका थप्पड़ जड़ दिन। तो भैया बहनी, आज के बुलेटिन में इतना ही। बघेली में खबर देखाई के लाने देखत रही हमार विंद के बघेली समाचार। साथ है बघेली खबर का प्रोत्साहन दे के लाने चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर और जरूर करी। नमस्कार।